अगर मेरी ऑडियंस कह देती है कि फैसला करो, तो भाई मैं फैसला कर लूंगा, और भरी कचारी में, ऐसे नहीं आप आ जाओ मैं आ जाओ, नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग जी। आज क्या करते हैं व्लॉग शुरू भाई, अभी आज 3 से 4 के दरमियान का टाइम, और अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज मेरी हालत देख सकते हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज भाई स्टूडियो का काम जारी है, मैं आपको दिखा दूँ, ये एरा वगैरह ये देखें, ये बन चुके हैं एरे, और भाई ये दरख्त वगैरह दरमियान में आ रहा था, लेकिन जिनको दरख्तों से होता है प्यार ना, तो वो और काम कर लेते हैं, लेकिन दरख्त को वहां से नहीं काटते। जो हमारे हाँ व्यूअर है ना, तो उनको यार पता चल जाए, क्योंकि हमारी वीडियो नहीं आ रही कुछ दिनों हाँ। से इस वजह से नहीं आ रही, क्योंकि स्टूडियो का थोड़ा बहुत काम चल रहा है। इंशाल्लाह 1 माह लग जाएगा घर भी मेरे ख्याल से, हम हफ्ते हफ्ते 1 वीक के बाद मतलब वीडियो डालेंगे। अभी उसके बाद फिर वही पहने वाली रूटीन होगी, हर दूसरे दिन वीडियो आ जाएगी भाई। अच्छा मैं अपने व्यूअर्स को बोल रहा था, जिनको दरख्तों से प्यार होता है ना, वो चीज़ों को इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन दरख्त नहीं कटाते। हमारा भी वही हाल है, बड़ी मुश्किल से भाई दरख्त लगे हैं। अबू भी बैठे हैं, चाचू बैठे हैं, लेकिन ये देखे यहाँ से दीवार नहीं देंगे, क्योंकि दरख्त है, दरख्त को नहीं काटना। बस एक और भी दरख्त उधर सामने आ रहा है, और मजदूर वगैरह लगे हुए हैं आज, इनकी ये ना एरे वगैरह सेट किए हैं, कल को फिर तो वो दीवारें देना शुरू कर देंगे। ईंटें वगैरह मिट्टी वगैरह आ चुकी है, ये देखें बस, ये देखें, ये दरख्त भी दरमियान में आ रहा था, लेकिन इसको भी नहीं काटा। देखें भाई मुर्गियाँ आ गई, इन्होंने बड़ा जलील किया हुआ है। आज मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर हमने आज मिर्चें वगैरह लिए लगाई हैं, यहाँ इनकी पनीरी वगैरह ले आए थे हम, ये ना इनको पानी दिया है लेकिन पी गई है ज़मीन, दोबारा पानी देना है, ये दोबारा उठेंगी, पहले जब इनको बोते हैं ना ये ऐसे ही हो जाता है। और ये है टमाटर, ये अभी आप ना देखें इनको, ये बाद में आपको दिखाऊंगा जब ये 1-2 हफ्ते के बाद। और ये हैं प्याज और कुछ मिर्चें और प्याज की पनीर घर में रखी भी हुई है, ये तो आप सब लोगों को पता है बड़ा, ये क्या है गाजर मूली वगैरह, और यहाँ पर भी प्याज की वो करनी है, और भी पनीरी रखे हुआ है। अब वो कल गए थे ना मार्केट से पनीरी ले आए थे, पनीरी खुद भी बंदा उगा सकता है, लेकिन हमने मार्केट से लिया है। ये एरे वगैरह का काम हो गया, अभी मैं घास काट रहा हूँ, दो अभी आ रहा है रेडर मुकबैंक की वीडियो बनाने के लिए सामान, और गए तो वो भी आता होगा, जब तक मैं घास वगैरह काट काट रहा हूँ, करके रख दूँ जानवर को डाल दूँ, तो उसके बाद मुकबैंक की वीडियो बनाएंगे, चैलेंज वाली वीडियो बनाएंगे। अभी फटाफट से घास काटते हैं अब्दुल भाई, वो भी ठहरे हैं। अच्छा जी घास को काट कर टोका वगैरह करके आ चुका हूँ। अच्छा भाई ये प्लाई वगैरह हम कल ना परसों लेकर आए थे, एक बड़ी हम टेबल बनवा रहे हैं, इस टेबल का काम नहीं है, ये है मुकबैंक के लिए, और ये टेबल बनवा रहे हैं चैलेंज वाले गेमों के लिए। और भाई अभी ऑर्डर वगैरह आ चुका है, मुझे लगता है मुदस्सिर भाई ने या अफजल भाई ने, ये पिज़्ज़ा की लुक मैं आपको दिखा दूँ, पिज़्ज़ा वो करके देखा है खोल के, और बर्गर वगैरह ये वो सारा सामान रखा है। मैं अभी जा रहा हूँ बोतल लेने, उसके बाद नहाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर मुकबैंग की वीडियो बनाते हैं। मुदस्सिर भाई क्या देख रहे हो, बस करो बंद करो, मेरा मोबाइल भी यहाँ पर रखा है, टाइम हो 3:30। तो भाई अभी लगाइए गेम, और जुबैर भाई ये देखो टुप्पा लगा रहे हैं बार बार। तो भाई अभी जुबैर भाई को खिलाइए मिर्ची, और ये देखे उसके पड़े हुए टुकड़े। जुबैर भाई कैसा लगा आज, टुप्पा लगा है, मुदस्सिर पहली बार हारा है जुबैर, ये पनीर दोबारा नहीं लाना भाई, पहले मुझे एक बार तुमने समोसों वाले चैलेंज में खिलाई थी ना, आज बदला पूरा भाई, जल रहे ओ, ऐसा होगा मुंह दिखा अंदर से आकर, जुबैर भाई क्या बोलते हैं, कड़वी तो है नहीं। जुबैर भाई दांत भी साफ कर लिया करो, ऑडियंस बोलेगी भाई पीले है। आ गए मुकबैंक की वीडियो बनाने के लिए, तो अभी आज का बैकग्राउंड ये है, पीछे आसमान अफजल भाई कैसे खूबसूरत नजर आ रहा है। बस भाई अभी मुकबैंक की बनाते हैं वीडियो, तो मिलते हैं आपको इसके बाद। अच्छा जी मुकबैंक की वीडियो बनाकर मैं अभी ये एक अकेले जगह पर आकर बैठ गया हूँ, यार वो जहाँ जैब ने वीडियो अपलोड की हुई थी, तो मैं भी थोड़ा उसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि वाकई में मेरा कसूर है या नहीं। वो बार बार अपने व्लॉग में इसी बात को घसीट रहे थे कि यार इसी का कसूर है, इसी का कसूर है, इसलिए इसके भाई ने भी इसको यार वो मैसेज किया हुआ था कि भाई इसी का कसूर है। भाई मुझे बताओ कसूर मेरा है, पहले वीडियो अपलोड करे वो और फिर कसूर मेरा है। मेरे भाई ने एक बात मैं आपको बता दूँ किस लिए कहा है, मुझे पता है वो मेरा भाई है, वो मुझे हल्की बात अच्छी बात वो करेगा, क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे बात करेगा।
उन्होंने एक अगर बात की भी है तो वो इसलिए किया है कि ताकि हमारा जो रिश्ता है ना वो कायम रह सके और कि ये दोनों सुलह कर लें, ये बात आगे बिगड़ ना जाए, तो इसीलिए मुझे उन्होंने ये मैसेज किया हुआ था। लेकिन मैं इस बात का बुरा भैया की बात को नहीं मानूंगा क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, वो जो भी कहें ठीक है। तो ये बार बार इसी बात को घसीट रहे थे कि यार इसी का कसूर है, इसी का कसूर है, और बाद में लास्ट में ये भी बोल रहे थे कि यार मैं फैसला करने को तैयार हूँ ये वो, अगर ये तैयार है तो। यार अगर मेरा कसूर है ना, मैं इसके पाँव में गिरने को भी तैयार हूँ क्योंकि यार मेरा कसूर है, मैं माफ़ी मांगूंगा। और ये बात मैं छोड़ भी अपने ऑडियंस पे रहा हूँ, और उन्होंने ये भी बोला है कि यार मैं फैसला करने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी ये सारी बात अपनी ऑडियंस पे छोड़ता हूँ, किसका कसूर है किसका नहीं है, और अगर फैसला जो मेरी ऑडियंस करेगी ना तो मैं उसी के साथ चलूँगा। अगर ऑडियंस मेरी कह देते हैं कि फ़ैसला करो तो फिर मैं फ़ैसला करूँगा, लेकिन मैं अगर ऑडियंस नहीं कहेगी तो मैं बिल्कुल भी फैसला नहीं करूँगा। क्योंकि यार कसूर मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो बातें मैंने हमारे सामने हुई हैं जो, तो 80% उसका कसूर है, 20% मेरा है। तो ये बात मैं अपने ऑडियंस पे डाल रहा हूँ, अगर ऑडियंस कहेगी तो ठीक है, और फैसला भी ऐसे नहीं होगा। इसमें वकास भाई, उसैब भाई, ये जो बड़े हैं हमारे, अब्बू मामू वगैरह, ये सारे बैठेंगे तो बाद में मैं फैसला करूंगा, लेकिन ऐसे मैं फैसला नहीं करूंगा। क्योंकि भाई कल को और दोबारा झगड़ा हो, जो कुछ हो, तो फिर बड़ों तक जब बात जाएगी, बड़े कहेंगे कि हमें बुलाया भी नहीं था फैसले के लिए, या लड़ाई वगैरह का बताया नहीं था। लड़ाई वगैरह का तो सबको पता है, बड़ा अगर फैसले के दौरान नहीं बुलाएंगे, कल को कोई मसला बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बंदे का मुझे इतबार नहीं आया, ये कल को और कुछ भी ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन बड़ों को इसमें बिठाना लाजमी है, अगर मेरी ऑडियंस कह देती है कि फैसला करो तो भाई मैं फैसला कर लूँगा, और भरी कचहरी में, ऐसे नहीं आप आ जाओ मैं आ जाऊँ, नहीं, भरी कचहरी में फैसला करेंगे। आपके अब्बू होंगे मेरे, और भी जो जो बड़े हैं वो सारे आएंगे, फिर सब की रजामंदी के साथ वो करेंगे हम फैसला। अगर ये आप ऐसे कहोगे कि आप मैं आ जाता हूँ, आप आ जाओ फैसला कर लेते हैं, कल को एक और मसला बड़ा मैंने चला के खड़ा हो जाए, तो भाई बस यही बात है, और मैं ये बात अपने ऑडियंस पे छोड़ रहा हूँ, और मैं आपके कमेंट्स वगैरह का इंतज़ार करूँगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए कि फैसला कर लो तो मैं फिर फैसला करने को तैयार हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इस व्लॉग का भी करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक।